सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन 2019 के फाइनल फ्यू एग्जामिनेशन टिप्स। वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं? क्या आपको अंदर से बहुत चिंता हो रही है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, क्या होगा एग्जामिनेशन में, क्या रिजल्ट आएगा? तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। ये वीडियो में हम बात करेंगे फ्यू जनरल टिप्स एंड फ्यू सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स जो आपको ये 3 डेज बिफोर नीट एग्जामिनेशन में फॉलो करनी है। एंड ये फॉलो करने से आपके गारंटीड जो रिजल्ट आने वाला था उससे बेटर रिजल्ट आएगा। सो मेरा नाम है आकाश एंड आई गेव माई नीट एग्जामिनेशन इन 2017 विद अ स्कोर ऑफ 629 मार्क्स। I had an all India rank of 583. Instead of wasting much of your time, let's jump into the video. अच्छा, तो मैंने ये वीडियो के टिप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज द जनरल एग्जामिनेशन टिप्स एंड दूसरा सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द जनरल एग्जामिनेशन टिप्स। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री एग्जामिनेशन टिप इज प्रिपेयर्डनेस। आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल फॉर्मूला। एंग्जाइटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिपेयर्डनेस। द मोर यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जामिनेशन, द लेस एंग्शियस यू फील। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा प्री एग्जाम में, दैट इज जस्ट ऑन 2-3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यू कैन गो फॉर स्लाइट एरोबिक एक्सरसाइज। आप थोड़ी सी कसरत कर सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग, थोड़े से पुशअप, जैसे स्क्वाट्स, थोड़ा सा कुछ भी। मेक श्योर कि वो ज़्यादा ना हो। आप इतनी सारी प्रेपरेशन की है, थोड़ा लेथार्जी आने लगती है, थोड़ी सी एनर्जी लानी चाहिए। वो एनर्जी आपको मिलेगी थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेन ना करें। सेकंड बेनिफिट जो एक्सरसाइज देगा कि आपको ये थोड़ा सा थकावट देगा, क्योंकि 1-2 दिन एग्ज़ाम के पहले सोने में और थोड़ी नींद लेने में, रेस्ट लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइम लगता है नींद आने में, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है कि यार अभी डेंजर आने वाला है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा थकान दे। रिलीजियस प्लेस आप जाइए एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, उससे आपको कई चीज़ों में हेल्प होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको आपके रूटीन, आपके घर, कोचिंग, वो सब थोड़े से शेड्यूल से आपको थोड़ा कट करके एक न्यू जगह, न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट जनरल ट्रिप जो आप कर सकते हैं इज़, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप उनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज वो जो आपने मिस्टेक्स करी है वो आपको एग्ज़ाम के दिन वापस नहीं दोहरानी है, ठीक है? एंड अगर आप अभी चेक करेंगे, जस्ट गो थ्रू करेंगे, तो आपने वो पेपर्स पहले से सॉल्व कर चुके हैं, तो आपका रिविजन क्विकली हो जाएगा, आपकी मिस्टेक्स आपको पता चल जाएगी, एंड बाई चांस उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम स्पेसिफिक टिप्स, ठीक है? उसमें नंबर 1 आता है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन लॉजिकली। तो ऐसा हो सकता है कि कई क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस पढ़ के उसका आंसर नहीं आ रहा हो। ओके, उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू सी द ऑप्शंस। नाउ आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स जो 2017 के मेरे नीट पेपर में आए थे, एंड उसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लॉजिकली कैसे आंसर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। नाउ हो सकता है कि आपने मैमल के सारे ऑर्डर्स रिवाइज करे हैं, आपको एग्जाम के दिन याद आ रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद से नहीं पढ़ाई करी हो। तो इसका आंसर आप कैसे डिराइव कर सकते हैं? नाउ रिमेम्बरिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, उसमें ये दिया था के ऑर्डर का द लास्ट एंडिंग लेटर इज ए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का इट्स प्रिमाटा, दैट एंड्स विद द लेटर ए। ओके, द ऑप्शंस आर कैबिलस, फेरस, एकीडे एंड पेरिसोडैक्टिला। नाउ सबसे पहले आपको ध्यान आएगा एकीडे, बिकॉज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स इज एकस एकस।
द करेक्ट आंसर हेयर इज पेरिसोडैक्टिला. ठीक है, इट्स एन ऑड और इवन आई डोंट रिमेंबर बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू द हूव्स ऑफ द हॉर्स. Now I answered equidae because the first thing that comes into mind is equus equus, which is the scientific name of horse. ठीक है, so ये question को आप knowledge से भी solve कर सकते थे, but also by a logic, by seeing the letter A in the word perissodactyla. Next very interesting physics का एक question था. ठीक है, and ये मैं trick recommend नहीं करूँगा, but अगर आप short of time हो तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज दिस वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड व्हेन एन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ दिस फॉल्स. सो दिस इज अ बेसिकली अ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको यूज़ करनी है इसमें, बट दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, यानी उसमें कट easily options नहीं कट हो रहे थे. Now इधर ध्यान देने की बात यह है कि वन ऑफ द ऑप्शन वॉज 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड ऑप्शन वॉज 0.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. 6 × 10⁵ एंड 0.6 × 10⁶ दोनों सेम है, यानी या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है. ठीक है, यानी ये क्वेश्चन टू वर्ड्स एम्बिग्विटी जा रहा है. ठीक है, तो मैंने वो दो ऑप्शन स्ट्रेट अवे कट कर दिए कि या तो दोनों होंगे या तो दोनों नहीं होंगे, एंड दो ऑप्शन होने के चांसेस काफ़ी कम है. ओके, बट टू माय सरप्राइज एंड टू लॉजिक सरप्राइज इसका आंसर था सी एज वेल एज डी एज डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई. ठीक है, तो मैंने वो दो ऑप्शंस कट कर दिए एंड मैंने बाकी दो में से आई जस्ट गेस्ट वर्क वन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो बताना चाहूँगा वॉज विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लीबर खून सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम. नाउ दिस इज वॉज अ आउट ऑफ टेक्सट बुक क्वेश्चन, बट आप जैसी ऑप्शंस देखेंगे आपको मिलेगा कफपर सेल्स, जाइमोजेन सेल्स, अर्जेंटाफाइन सेल्स एंड पैनेट सेल्स. ठीक है, यू नो जाइमोजेन सेल्स सिक्रीट इनएक्टिव एंजाइम्स, यू नो कफपर सेल्स रिप्रेजेंट द लिवर. Now it was either argentafine cells or Paneth cells. Now whenever you see a question, just for example mainly in biology or chemistry, जिसमें आपकी knowledge आपके restrictive factor है, then ध्यान रखिए question पढ़ने के बाद आपको options देख लेके and eliminate करना start करने का, because उन दोनों में से जैसे आप eliminate करेंगे the probability of you guessing the right answer increases. So कभी भी chemistry and biology में क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, रीड द ऑप्शंस, ट्राई टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस. तो वेन एवर दे आस्किंग क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल के विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास जिम्नोस्पर्म्स, हो सकता है आपने नोट्स वाले याद करे हो सकता है आपने टेक्स्ट बुक वाले याद करे हो, कोचिंग ने जो दिए वो करे, इंटरनेट से पढ़ा, बट ऐसा एक ऑप्शन आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप वो क्वेश्चन को देख के यू कैन इजीली एलिमिनेट कि जो जिम्नोस्पर्म है ही नहीं. फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एग्जांपल ऑफ एल्गे, वो जिम्नोस्पर्म है ही नहीं, तो आप वो इजीली वो क्वेश्चंस वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं. सो इस वे में यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और फाइलम. ठीक है, यू कैन रिमेंबर मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इन विच यू कैन, एंड अगर आप अभी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड. लॉजिक से मुझे एक और चीज़ याद आती है कि इलॉजिकल मिस्टेक्स मत करना. ठीक है, आप जब भी कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें वर्ड्स लाइक नॉट, नन ऑफ द अबव, ये सब को अंडरलाइन करिए, एक्सेप्ट. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको कन्फ्यूज करने के लिए, एंड एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करिए. तो whenever you are underlining such words, ये आपके बोल्ड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आप अगर अपने हिसाब से ये वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है. एग्जाम स्पेसिफिक टिप इज OMR फिलिंग. नाउ OMR फिलिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप अभी तक जो यूज़ करते आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, आपने कहीं से सुना हो. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अभी तक जो यूज़ कर रहे टेक्निक वो यूज़ करना,
बट ये गोल्डन रूल है ध्यान रखने के लिए कि लास्ट 45 मिनट्स या लास्ट 30 मिनट्स में ऐसा ना हो कि आप OMR फिल करना स्टार्ट करें, बिकॉज तब सबसे डरावना, तब सबसे एंग्शियस टाइम होगा. एंड अगर आपने OMR में कोई भी गलती कर दी, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट. उसको अच्छी तरह से फिल करिए. हर क्वेश्चन के बाद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसको फिल करना. तो या तो आप जैसे फिजिक्स का सेक्शन करके आप OMR सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे आपने 10-20 क्वेश्चंस करे आप OMR फिल कर रहे हैं, 30 क्वेश्चंस किए, जो भी आपका अभी तक पैटर्न रहा है आप वो यूज़ करना. नेक्स्ट इज किस पैटर्न में आपको पेपर सॉल्व करना है, लाइक पहले फिजिक्स, पहले केमिस्ट्री, पहले बायोलॉजी. ऐसे तो देर इज़ नो सच स्पेसिफिक पैटर्न कि ये पैटर्न में सॉल्व करना चाहिए. आप जिस पैटर्न में कंफर्टेबल है आप वो यूज़ करना. कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है तो उसको यूजुअली लास्ट में सॉल्व करते हैं, बट अगर आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है सो यू कैन स्टार्ट विद द फिजिक्स फ्रॉम द स्टार्ट. नाउ इसमें ऐसा है कि वेन एवर यू स्टार्ट सॉल्विंग सम फिजिक्स क्वेश्चन और केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे ऐसे आ गए कि आपको उनका आंसर नहीं आ रहा है. तो वो 2-3 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं. आप पूरा केमिस्ट्री सेक्शन स्किप करके आप बायोलॉजी में जा सकते हैं, बिकॉज सिलेक्शन करने के लिए, मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, यू नीड टू सॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ईच क्वेश्चन हैज़ प्लस 4 एंड माइनस 1/4 मार्क्स. तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा भावनाओं के साथ या ज़्यादा ईगो पे आके उस क्वेश्चन से फाइट नहीं कर सकते. इट विल गिव यू अ वेरी नेगेटिव रिजल्ट. ठीक है, तो दैट वर माई जनरल टिप्स. वील बी नाउ कवरिंग सम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स जो आप ये 3 डेज में कर सकते हैं, विच विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपर एज. तो चलिए डिस्कस करते हैं सम सब्जेक्ट वाइज लास्ट मिनट टिप्स. ठीक है, बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन, एनिमल, प्लांट, एवरीथिंग, आप उसके एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लीजिए फॉर द वन लास्ट टाइम. अभी आप सिर्फ और सिर्फ NCERT उठाइए, जितना आपने NCERT में लिखा है उतना रीड करिए. एक्स्ट्रा सोर्सेज को रेफर करने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको अगर कोई एग्जांपल नया लगा तो देन एक नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा कि अरे मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मुझे चैप्टर ही नहीं आता, तो कुछ ऐसा आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स में से, प्लांट किंगडम, वो सब में से रिवाइज द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज इकोलॉजी में आप सारे वैल्यूज याद कर सकते हैं, ऑल द ग्राफ्स याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स है द COP एंड विच ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अटेंड इन विच वाटर एक्ट, एयर एक्ट एक्सेट्रा. तो डेट्स इन होल ऑफ द बायोलॉजी एंड एग्जाम्पल्स इन होल ऑफ द बायोलॉजी कैन स्कैन थ्रू. मेक श्योर वाइल यू आर डूइंग दिस यू सी थ्रू द होल NCERT. ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगी इन द लास्ट फ्यू डेज इज द विजुअल बेस्ड मेमोरी. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट डायग्राम्स, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्री, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, तो आपको सबसे अच्छा अभी याद हो जाएगा वो. तो मेक श्योर यू फोकस ऑन द डायग्राम्स, यू फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स, एंड दिस वे यू कैन कवर द होल ऑफ द NCERT बायोलॉजी. आई डू नॉट रिकमेंड यू यूजिंग एनी अदर सोर्सेज. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू केमिस्ट्री. नाउ उसमें फिजिकल में आप जो भी फॉर्मूलेज है उसको एक जगह पे लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए. जो भी कांस्टेंट्स है केमिस्ट्री में, जैसे जो भी हीट थर्मोडायनेमिक्स में जो भी सारे कांस्टेंट्स आते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक्सवाइजेड, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो सब आप याद कर लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन विजुअल बेस्ड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो याद करिए. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस, हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएजेंट्स, सो एवरीथिंग दैट कम्स इन विजुअली, लाइक यू सी द टेक्स्ट बुक, आपको ये रिएक्शन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी. आपके नोट्स जो आपने बनाए, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक्स, ऑल्सो योर नोट्स, बट मेक श्योर ये आप क्विकली करिए. एक चीज़ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए कि मैं मैकेनिज्म भी देख लेता हूँ, नहीं. अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू द ऑल द रिएक्शंस. नेक्स्ट वुड बी रीडिंग सम कलर्स ऑफ द कंपाउंड, रीडिंग सम एक्सेप्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फिजिक्स. इट इज क्वाइट सिमिलर टू फिजिकल केमिस्ट्री, रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज एंड रिमेंबरिंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स. सो दिस में आपका एक क्विक सब्जेक्ट वाइज रिविजन हो जाएगा. इफ़ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स,
डोंट लेट इट ट्रांसलेट टू ओवर कॉन्फिडेंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन. बिकॉज मेरा पर्सनली केमिस्ट्री वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग. आई यूज टू डू हिमांशु पांडे जेई के क्वेश्चन डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इन दैट हरी एंड इन दैट ओवर कॉन्फिडेंस. सो यू कैन प्रिवेंट दिस बाय नॉट लेटिंग योर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ इन वन सब्जेक्ट translate it into overconfidence. That will lead to an overall decrease in the score. Preparation ke ek insaan ke phase mein wo part golden jaisa hota hai. Doesn't matter aapne kitna score kiya, but wo jo mehnat, wo jo work ethics jo aapne gain kiya 2 years mein, wo bahut zaruri hai aapke future mein. Theek hai, to main bas aapko finally ye tip dena chahunga ke India level pe aapki rank bahut easily fluctuate hoti hai. Agar main personally अभी मैं बड़ोड़ा में हूँ SSG हॉस्पिटल में. अगर मेरी 20 मार्क्स ज़्यादा आते हैं विच मीन्स दैट 5 क्वेश्चंस, तो मैं आज शायद से KEM बॉम्बे या कोई और कॉलेज में होता, बट लॉन्ग रन में वो इतना मैटर नहीं करता है. तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, ऑल द नीट एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू गिव नीट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, इन द फ्यूचर, ये याद रखिए कि योर फ्यूचर, योर ओवरऑल सक्सेस will not be measured by what you do in your NEET examination. NEET is just a stepping stone towards easiness in life. If you go into a good college, it becomes easier for you to pass the subsequent examinations. For example, NEET PG or AIMS post-graduation. ठीक है, तो ये सब के लिए advantages रहता है. Doesn't mean कि ये इसमें जो marks है वो आपकी life decide करने वाले हैं, ये आपका सिर्फ college decide करने वाले हैं. If you have any other doubts, you can contact me. The links given in the description. You can also leave a comment. See you soon.